कभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल गेमर्स डेन पे। तो गाइज, मुझे आज एक अखड़ू बंदा मिला था जो मुझे चैलेंज कर रहा था 1v1 के लिए। तो मैंने बोला ओके, लेकिन बाद में उसको थोड़ी और अकड़ दिखानी थी तो उसने बोला भाई 2v1 कर ले। तो गाइज मैं अपने दोस्त पार्स को लेके गया 2v1 में, और अब देखो भाई वो बंदे ने क्या गुल खाए है। तो गाइज पहला राउंड शुरू हो गया, हमने ले लिया थॉप्सन। गाइज मतलब ये बंदा मुझे इतना कुछ बोल रहा था, जब ग्रुप में दोस्त थी और ये पार्थ भी था तब उसने मुझे इतना बोला हम तीनों को मिलके, तू नूबड़ा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। बाद में वो बंदे ने मुझे चैलेंज किया 1v1 के लिए। तो गाइज मैंने पहले तो उसे 3 बार नहीं बोला, बट एट द 4th मोमेंट उसने बोला ठीक है डर लग रहा है 2v1 कर ले। मैं गाइज डर की बात नहीं थी, मैं जानता वो बंदा हारने वाला था, लेकिन अब अगर उसने 2v1 बोल दिया तो अभी मैं पार्थ को लेके गया था और चुन चुन के मारा दोनों ने उसको। वो बंदे ने पहले राउंड में भी ग्लू वॉल लेके रखी है, जाके मैं थॉप्सन चला रहा हूँ और ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल मतलब पूरा बंदा कवर ले के खेल रहा है लिटरली। उसको मैं कितना डैमेज दे चुका हूँ लेकिन वो हर बार ग्लू वॉल लगा के मेडी मार रहा है, बैबिलिटी ऑन कर रहा है। मैंने गन पॉवर्टी ऑफ कर दी क्योंकि बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्किन्स थे, लेकिन फिर भी ये बंदे तो हारेगा गाइस। पार्थ टाइम पास कर रहा है, जब तक मैं मर ना जाऊँ फिर मेरे मरने के बाद पार्थ इसे मार देगा। भाई मतलब ये बंदा लिटरली सिर्फ दौड़ रहा है ये बंदा, बाकी इससे कुछ खेलना नहीं हो रहा। इसने टाइम पास के लिए हमें नूबड़ा बोला है, ये लाता खाएगा पक्का मारेगा साला ये। लो भाई कितना डैमेज दिया है बंदा है, क्या है बे। अभी गाइस वॉल के आर पार ही रिवाइव लेता हूँ, रुको। ये साले को तो पहले राउंड में मैं ही मारूंगा। हाँ भाई आ गया स्वाद। गाइस सेकेंड राउंड में मैंने वॉल ले लिए, शायद पार्थ के पास है या नहीं है पता नहीं है, इसलिए उसने कलेक्ट नहीं। कोई बात नहीं, हम ही खेल लेंगे। और गाइस सेकेंड राउंड में शायद हम मरे, शायद। हाँ गाइस क्लियर तो कुछ नहीं है, ठीक है क्लियर तो ना मैं हूँ ना वो सामने का बंदा है। बाय द वे हम दोनों की ग्लू वॉल शायद से सेम स्किन की है, पार्थ की अलग है। ओ या दिख जा भाई। गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सिर्फ डैमेज खाया जा रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है यार हमारे साथ। ओ भाई गए, कोई बात नहीं, अपना बैकअप है ना पार्क है ना, वो कर देगा बंदे को खत्म। जब बेइज्जती है पार तो आराम से मार देगा। अबे इसके वन टैप नहीं लग रहे, कोई बात नहीं। 4 राउंड की मैच है गाइस, 4 राउंड की। ये बंदा पहले मुझे 4 राउंड की बोल रहा था, अब शायद से आगे राउंड्स बढ़ाने को बोलेगा। मतलब ये चाहता है मैं इसके पीछे अपने पूरे कस्टम कार्ड्स मतलब वेस्ट ही करना है बस इसके साथ में। कोई बात नहीं, पार्थ इज ऑन द ट्राई, होता है कभी कभी। मार देगा पार्थ सामने वाले बंदे की फाड़ देगा। बोला था ना भाई पार्थ, भाई लोग बोला था मैंने पार्थ मारेगा। अच्छा मेरे वीडियो पे मेरे लिए नहीं तो कम से कम पार्थ के लिए तो लाइक कर दो। तुम वीडियो देखते हो लाइक घंटा कोई करता नहीं है, जाओ जाके लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि अगली 1v1 की वीडियो आपको आ जाए। तो गाइस इधर एक बार मैंने उसे मार दिया है, एक बार पार्थ ने उसे मार दिया है। आई होप सो हम दोनों के दोनों उसको दो मार दे, मतलब कैसे उसको थोड़ा शांति मिलेगा ना, वरना बोलेगा मैं पार्थ के दम पे जीता हूँ।
हाँ भाई आजा सामने, तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात नूबड़े। दिख जा भाई, बस चेहरा दिखा दे। ओ भाई पार्क ने उसे उधर के उधर ही खत्म कर दिया, हमें दिखा भी नहीं वो। गाइस अभी आखिरी राउंड, जीत जाए तो अच्छा नहीं लग, मतलब अच्छा तो लगेगा लेकिन सामने वाले की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो जाएगी। सोच रहा हूँ कि ना एक ही राउंड हार जाए, नहीं मतलब मैं तो उसके मुंह में कूद के मर जाऊंगा। पार्थ का देखते हैं क्या करता है पार्थ, वो भी मरेगा या वो मारेगा पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा क्योंकि हमने 3-0 पे अभी उसको पकड़ के रखा है। ऑब्वियसली अब तो पता ही चल गया नूबड़ा कौन है। मैं ऐसा नहीं बोला कि आई एम प्रो, बट स्टिल उससे तो ज्यादा ही ढंग का खेल लेता हूँ ना अभी। किधर है भाई शुभ चिंतक, तो अपने शुभ मुंह दिखा दे। आ जा भाई दिख जा। ओ ओ शिट यार, हेड पड़ गया उसका। कोई बात नहीं, बाहर तो बाकी है, देख लेगा। थोड़ी टाइमिंग गलत, और ये लगता है पार्ट अटक गया। नहीं, वॉल फोड़ेगा। किधर है वे बंदे तू? ओ शिट पार्क के बाजू में निकला। शिट पार्क को मेड मारने को टाइम नहीं, पार्क गया। बंदे ने एक किल किया और इमोट दिखाया शायद से उसने, शायद से, क्योंकि राउंड बैनर आ गया इसलिए दिखा नहीं, बट उसकी मूवमेंट बता रही थी कि उसने इमोट दिखाया है, और उसको इमोट दिखाने का अंजाम भी बताना ही पड़ेगा। मतलब अब मेरे बंदूक से जो गोली निकलेगी उस पे उस नूबड़े का नाम गारंटीड है गाइस। लिख के ले लो मेरे से, आखिरी किल तो मेरा ही होगा। बस दिखने दो ये बंदा, आजा साले तू तो मेरे हाथों मरने वाला है। पहले पार्थ को सामने जाने देता हूँ, फिर मैं पीछे से जाके मार देता हूँ। किधर है भाई तू? हाँ भाई आजा सामने। नुबड़े मेरे हाथ में मरेगा, मैंने बोला था। लो गाइस अपना ही किल है। हाँ भाई आ गया स्वाद, क्या नाम था बंदे का याद नहीं लेकिन उसको स्वाद आ गया। आखिरी किल के लिए मेरा चश्मा तो बनता है, एंड थैंक्स पार्थ मेरी मदद करने को, इस बंदे को धूल चटाने में। मेरे भी 2 किल है, पार्थ के भी 2 किल है। वही बंदे को धूल चटा के मजा आ गया। अब देखते हैं बंदे का रिएक्शन क्या है। अभी मैं और एक कस्टम तो वेस्ट नहीं करने वाला, मैच को कर देता हूँ एंड अभी इधर, और लेता हूँ सबको ग्रुप में, एंड देन सी क्या होता है। आरशी को ले लिया, पार्थ को ले लिया, टीएम लकी शायद से उसका नाम है, उसको भी ले लिया। हाँ भाई आ गया स्वाद। गैस जब उसने मुझे नूबड़ा वगैरह बोला था तो मेरे ग्रुप में आरशी थी, पार्थ भी था, लेकिन थोड़ा बात लेट आया, तो शायद से उसने भी देखा होगा चैट्स में कि तू नूबड़ा है वगैरह वगैरह। अभी आरशी उसको ट्रोल करते हुए, एक मिनट अभी ये बोल क्या रहा है, 13 राउंड की लगा, 13 ही तो 7 राउंड की। देखा कि मतलब ये सिर्फ यही चाहता है कि मैं इसके पीछे बस कस्टम के कार्ड्स वेस्ट कर दूं। भाई मतलब 2v1 में कुछ नहीं उखाड़ पाया ये, तो ये भाई 2v2 या फिर 3v2 में क्या घंटा उखाड़ पाएगा, और ऊपर से बंदे को राउंड्स ज्यादा के चाहिए। मतलब इसने बहुत ही तोप मार लेने थे, ज्यादा राउंड्स रहते थे तो। छ
चार राउंड में कुछ कर नहीं पाया, 13 राउंड में 13 बार मरना था शायद से इसको। और अब भाई साहब बोल रहे हैं कि पार्थ में और आरसी एक टीम में वर्सेस वो अकेला, मतलब टू का दो, हम दो जनों का कुछ नहीं कर पाया, भाई को 3 मार के दिखाने। मतलब अभी भी बेचारे को कोई शर्म नहीं है कि वो मरेगा, और अब अपने दोस्त को बुला रहा है कस्टम बनाने के लिए, तो इसको तो मैं कर देता हूँ किक, ये हमारे मैटर का हिस्सा नहीं है। और भाई साहब की तो माइक ऑन करने में तक फट रही है, रिक्वेस्ट भेज दी अपन ने इसके दोस्त को, लेकिन खेलने तो इसके साथ नहीं वाले, और आज ही तो ग्रुप में ही रहे। और एक कस्टम चाहिए भाई को, अब हम तेरे को लोकेश गेमर दिखते हैं।